गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा सेकेंड डे है औरंगाबाद में, और अभी फर्स्ट हम लोग नाश्ता करने जाएंगे। तो नाश्ता करके हम निकले हैं दौलताबाद फोर्ट देखने के लिए। अरे हम 25 मिनट्स में पहुंच भी गए, कितना अच्छा है। हमारे होटल से कोई भी साइट सीइंग लोकेशन विजिट करने के लिए कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो कार पार्क करके अभी हम एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री पे ही दौलताबाद फोर्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अब हम यहाँ से टिकट लेंगे। यहाँ पे एंट्री फ़ीस 25 रुपीज़ है। हमने टिकट तो ले ली, अभी हम जाएंगे आगे। यहाँ पे कुछ दौलताबाद फोर्ट के बारे में लिखा हुआ दिख रहा है, चलो पढ़ते हैं। शुरू में 1187 ईयर में इस किले को देवगिरी के नाम से जाना जाता था, जो कि राष्ट्रकूट शासक ने निर्माण किया था। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर इसका नाम दौलताबाद कर दिया। ये मेन एंट्री डोर को महाकोट दरवाज़ा बोला जाता है। और हाँ, ये किला 200 मीटर्स अबव सी लेवल सिचुएटेड है। जैसे ही आप मेन डोर एंटर करने के बाद आगे आओगे, तभी आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रीवियसली यूज्ड कैनन्स दिखेंगे। यहाँ पे मेंढा तोप करके एक जो कैनन है वो सबसे फेमस है। तो आगे चलते हुए हमें और एक यहाँ दरवाज़ा दिख रहा है। तो ना, बचपन से ही मेरे नाना कहते थे कि दौलताबाद फोर्ट सबसे टफेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही पावरफुल है, एंड यहाँ पे बहुत सारे भूलभुलैया भी है, तो उसके वजह से ये फोर्ट टफेस्ट माना जाता है। एंड इसके वजह से मैं बहुत ही एक्साइटेड हुई है देखने के लिए। जैसे कि आप एक मीनार देख सकते हो, इसको चांद मीनार और टावर ऑफ द मून कहा जाता है। इसका हाइट 63 मीटर्स है और ये एक बेहतरीन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर माना जाता है। यहाँ पे एक पानी का कुंड हुआ करता था, बट अभी वो सूखा हुआ है। यहाँ अभी हम चलते चलते लेफ्ट से आगे जाएंगे, और एक दरवाजे से अंदर आते हुए ये मुझे दिख रही है एक बहुत बड़ी ओपन स्पेस। और ये मेरे दोस्त यहाँ पे आनंद और चेतन इस जगह की खूबसूरती का लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ से आगे जाते हुए हमें जो मंदिर दिख रहा है वो प्राचीनकालीन भारत माता मंदिर है। ये यादवकालीन मंदिरों में से एक है। यहाँ से आगे जाएंगे तो ये हमें फोर्ट का मेन एंट्रेंस दिखता है। यहाँ और एक दरवाजे से हमें अंदर जाना है। इधर अंदर जाने के बाद हमें ये चीनी महल दिखेगा। आगे चल के हम एक बुर्ज पे आए हैं, इधर से पूरा दौलताबाद फोर्ट का एक सुंदर आकर्षक नज़ारा दिख रहा है। तो हम लोग ने अभी सोचा है कि हम ये वाले पॉइंट पे जाए जो इधर से दिख रहा है। मेन किले में जाने के लिए हमें ये ब्रिज से जाना पड़ता है। एक्चुअली पहले ये चमड़े का हुआ करता था, और इसके नीचे जो खाई है वहाँ पानी में मगरमच्छ रहा करते थे। बहुत भूलभुलैया पार करने के बाद अभी हम किले के बैक साइड पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ से एक खाई दिख रही है। ये भी एक डिफेंस का ही पार्ट है, जिस वजह से शत्रु अंदर ना आ सके। दैट्स ऑल फॉर दौलताबाद फोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट पे। दौलताबाद फोर्ट देखने के बाद हम आए हैं औरंगाबाद के मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट प्लेस एलोरा केव्स देखने के लिए। एंटर करने के बाद आपको बहुत बड़ा गार्डन एरिया दिखेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 केव्स हैं, उसमें से सिर्फ 34 केव्स पब्लिक के लिए ओपन हैं, जो कि हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही आप चलते आगे आओगे, आपको 16 नंबर की केव फर्स्ट दिखेगी। केव नंबर 16 यहाँ की सबसे अमेजिंग एंड ग्रैंड केव है। ये केव्स टॉप टू बॉटम हाई बेसल्ट क्लिफ को कार्व करके बनाए गए हैं, इसलिए इनको मोनोलिथिक केव्स भी बोला जाता है। ये केव्स राष्ट्रकूट वंश के टाइम पे बनाए गए हैं। आगे जाते हुए आपको ये बड़ा सा एलिफेंट स्टैचू दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एकदम सुंदर और अट्रैक्टिव नक्शीकाम किया है। यहाँ पिलर पे भी एकदम सुंदर नक्शीकाम दिख रहा है। 6वीं से 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है, और 1983 में एलोरा केव्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक दर्जा दिया है। यहाँ पे बेहद सुंदर नक्शीकाम देखने मिल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी यहाँ पे विजिट करना।
तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे फ्रेंड्स का यहाँ पे फोटो सेशन चालू है, तो इसके बाद हम आगे जाएंगे। ये सेम स्तंभ अब अभी हम ऊपर से देख रहे हैं, ये और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। केव नंबर 16 देखने के बाद हम अभी आगे जाते जाते एक एक केव देखेंगे। यहाँ से आगे जाते हुए मुझे एक वाटरफॉल दिख रहा है, तो हम लोग अभी इससे भी आगे जाके देखते हैं वाटरफॉल और उसके आजू बाजू का नज़ारा। राइट साइड से जो रास्ता देख रहे हो ना, उधर से आप आगे भी जा सकते हो। जैसे ही आप वाटरफॉल क्रॉस करके आगे आओगे, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे केव्स दिखेंगे, और इधर से ही आगे जाओगे तो आपको बहुत सारे टेम्पल्स भी दिखेंगे। हम साइट सीइंग करके तो अभी होटल पे आ चुके हैं, अभी हम लंच करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारा थर्ड डे है औरंगाबाद में, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे मुंबई के लिए। तो हम जहाँ ठहरे हैं जिंजर होटल में, तो इनका पर डे का एक रूम का कॉस्ट अराउंड हमें 5K तक गया। इधर हम लोग को मिल्स इंक्लूडेड थे, तो मिल्स में ऑप्शंस मतलब वैरायटी कम है, बट टेस्ट काफ़ी अच्छा है इधर का। ऑल्सो यहाँ पे रूम्स स्पेशियस एंड बहुत क्लीन है, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ओवरऑल द होटल वॉज गुड। तो अभी ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं मुंबई के लिए। That's it for this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में। बाय बाय।